और आज हम उपस्थित है जीरादेई प्रखंड के जीरादेई मोड़ के अंदर से एक रास्ता जाता है जो प्रतीक बीएड कॉलेज से होते हुए तितरा ढाला को निकलता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे नाले की समस्या है, नाले की पानी की निकास नहीं है। यहाँ पे तमाम रहवासी रहते हैं और जिस नाले से गंदे पानी होकर बहती है और यहाँ पे लोगों का रहना मुश्किल हो चुका है। आइए यहाँ के बड़े बुजुर्गों से और ग्रामवासी से हम बात करते हैं। आप बताएं कि यहाँ पे किस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ का जो बाईपास रोड है जी, जीरादेई मोड़ से तितरा ढाला के लिए बाईपास रोड है जी, जी। तमाम तरह के जनप्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं जी, और आश्वासन देते हैं, वोट पाते हैं, चले जाते हैं। और ये बाईपास रोड होते हुए हमारे यहाँ एक शिक्षण संस्था है जिसका नाम प्रतीक बीएड कॉलेज है जी, जी। उसमें रोज कम से कम सैकड़ों बच्चियाँ यहाँ से और बच्चे जाते हैं जो नाला के शिकार होते हुए गंदे पानी को लगते हुए जाते हैं जी। और काफ़ी यहाँ के लोगों को आने जाने में परेशानी है। बाजार ठेवाहा बाजार के लिए यही रास्ता है और एक यहाँ से बाईपास रोड निकला हुआ है रघुनाथ मास्टर साहब के घर के तरफ जी, जी। यहाँ एक नाला का निर्माण किया गया है जो हमारे प्रेजेंट टाइम वर्तमान जिला परिषद प्रमोद प्रसाद के द्वारा नाला का निर्माण किया गया जी, जी। नाला का निर्माण रोड साइड में ला के छोड़ दिया गया है। यहाँ से एक साइफन है, साइफन अगर बन जाता तो ये पानी खान में चला जाता और ग्रामवासियों से लेके शिक्षक से लेके छात्राओं को यहाँ आने जाने में सहूलियत मिलता जी, जी। तमाम तरह के जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं, सबको बताया गया है, सबने आश्वासन दिया। हालांकि यहाँ पे सीओ साहब का भी दौरा चला है, प्रशासनिक विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनका भी दौरा चला है जी, जी। और बरसात में तो यहाँ आना जाना मुश्किल था। अभी भी स्थिति ये है कि आप सामने कैमरा कीजिएगा, थोड़ा सा कैमरा कीजिए सामने, ये कैमरा से आप देख सकते हैं कि आने जाने वाले को कितना परेशानी हो रही है। तो इसलिए हम प्रशासन से और जो भी इसके जनप्रतिनिधि हैं हम उनसे उनको बताना चाहते हैं कि कम से कम रोड का निर्माण किया जाए और नाला को कम से कम साइफन लगा के खाड़ में निकाल दिया जाए जिससे आने जाने वाले को सुविधा हो सके। आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? वही सब चीज़ें कहेंगे जो आने जाने के लिए ये नाला वगैरह है, ये रोड है, तो आने जाने में पब्लिक को भी दिक्कत होती है, गाँव वासियों को भी दिक्कत होता है, हम सबको भी दिक्कत होता है। हाँ, बदबूदार पानी यहाँ से निकलता है, लाइटिंग का पानी वगैरह है, इसीलिए तो आने जाने में बहुत दिक्कत है। स्कूल के बच्चे आते जाते हैं, गाड़ी घोड़ा आती जाती है, सब परेशानियाँ बहुत हैं। लेकिन अब किससे कहे, कितने आए और कितने चले गए, लेकिन बस प्रशासन भी आई तो देखा हाँ ठीक है, लिख कर कागज पर वो लिख दे दिया गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया इसके लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? ना ये तो लगभग साल भर हो गया है, कितना बार इसके लिए झगड़ा भी हुआ है, कोई सुनता भी नहीं है। अब जबरदस्ती लोग करते हैं कि नहीं पानी तो बहेगा रोड पे, बहेगा क्यों भाई, पानी रोड पे बहेगा। बोला बलराम, बोला कुछ आगे, बोला कुछ कहें। आप देख रहे हैं कि सरकार जो है तमाम तरह के विकास की दावा करती है लेकिन यहाँ पे विकास आकर लगभग मर चुका है। यहाँ पे कोई विकास की बात ही नहीं है और विकास कोई सुनता ही नहीं है। बड़ी बड़ी विकास की बातें होती है लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पे उतर कर देखते हैं, जमीनी स्तर पे देखते हैं, तो आपको यही विकास दिखाई दे रहा है कि कैसे लोग बदबूदार पानी के शिकार बने हुए हैं और कैसे इस तरह की जन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। और यहाँ पे कोई भी स्थानीय नेता या किसी भी तरह के नेता मंत्री का यहाँ पे आना जाना नहीं है। आते तो हैं लेकिन तमाम विकास के वादे करके जाते हैं लेकिन विकास धरी की धरी रह जाती है और यहाँ पे लोग बहुत तरह की परेशानियों को झेल रहे हैं। धन्यवाद। देख रहे हैं कि कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हुए विद्यार्थी लोग को बहुत तरह की परेशानियाँ होती है। आइए इनसे ही जानते हैं कि इनको किस तरह की परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। इधर आने जाने में बहुत सारी परेशानियाँ होती है और जो हम लोग आते हैं तो बारिश में पूरा ये पाँव खींच हो जा रहा है, लोगों को हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी, पानी लग जाता है यहाँ, पानी लगभग यहाँ घुटने बराबर पानी हो जाता है जी, जी। और आने जाने में बहुत परेशानी होती है,
हम लोगों को चप्पल जूते निकाल करके पैंट ऊपर चढ़ा करके तब हम लोग जाते हैं। लैट्रिन बाथरूम का पानी आता है? इधर नाली का पानी है, लैट्रिन का पानी, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बिल्कुल गंदगी का अंबार लगा हुआ है यहाँ पे। खबरों को पढ़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।